आय बढ़ाने के लिए मिलेट्स की खेती को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई राज्यों में इसका असर भी दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि कोदो के बीज की बिक्री करने पर किसानों को 1.28 करोड़ रुपए की आय हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की माने तो कोदो के बीज की बिक्री से किसानों की आय में 4 गुना इजाफा हुआ है। बता दें कि राज्य में कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य पर 3000 प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खेती 3377 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है। कोदो की खेती अनाज फसल के तौर पर की जाती है। कम बारिश वाले क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। भारत और नेपाल के कई हिस्सों में कोदो का उत्पादन किया जाता है। इसकी फसल को शुगर फ्री चावल के तौर पर पहचानते हैं। कोदो की खेती में कम मेहनत लगती है। इसकी बुआई बारिश के मौसम के बाद की जाती है। कोदो का पौधा देखने में बड़ी घास या धान जैसा होता है। इससे निकलने वाली फसल को साफ करने पर एक प्रकार के चावल प्राप्त किए जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान भी मिल चुका है। राज्य को यह अवार्ड मिलेट्स की खेती की उपज बढ़ने पर मिली है। इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के तौर पर 9000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज़।